एक ही तो जुर्म है जिसके बाद बंदे का शऊर खत्म हो जाता है, वो गुस्ताखी रसूल है, वो खुद करे या उसका कोई साथ दे दे। हम ऐसे नहीं बैठे हुए, मैं आपको सही बता रहा हूं। इनको तो अब पूरा पूरा कुरान पढ़ते इनको समझ नहीं आती। अब ये हमारा तो गुनाह नहीं है ना, जर्रा इश्क नबी आज हक तलब और सोजे सिद्दीको अली आज हक तलब। जे तुहाड़े को इश्क रसूल नहीं ना तो लबैक के खिलाफ बक बका बंद करो, साढ़े खिलाफ जो कुछ कर दो बंद करो, ये साढ़े गाटे ना लगो। जे इश्क रसूल कोई नहीं तो रब को मंगो, लेकिन सोजे सिद्दीको अली आज हक तलब। हाँ, इश्क रसूल के नाल सोज सिद्दीक ते अली वाला होना चाहिए। हाँ, सिद्दीक ते अली वाला सोज होवे, मैदाने उदैबिया होवे ते सिद्दीक अकबर गल ओ कर जान के क्यामत तक लोग एंजी वेखदे रहन भाई गल सिद्दीक अकबर के की थी। ते मैदाने उदैबिया होवे ते हजूर फरमान अली उम हो या अली, ते अली मुर्तजा कवर हजूर गर्दन ते कट सकदी, तुहाड़ा लिखे होया ना अली नहीं मिटा सकता। दावे करना इश्क रसूल ते हो रे, मैं आखो कलंदर तेरी कबर उते लखा सलाम होवन, तू सारे दे मुंह बन के चला गया। जेडे कहंदे ना हम भी इश्क रसूल है, इकबाल कहंदा इश्क रसूल वो होगा जिसके अंदर सोज सिद्दीक ते अली जाओ। उन्हें जाना की जिंदगी नु करना है, असी इसनु की करना है। नारा लांदे जे मुंह भज जाए तो और गल की चाहिए, उच्चा बोलो ओ उन्हें जाना, उन्हें जाना, और नहीं 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 जाना। शोरे तकबीर से और थर थराती जमीन, उन्हें जाना, और नहीं जाना, और नहीं जाना, और नहीं जाना। गुस्ताखे रसूल की एक सजा। ए जुदा वाला जेड़ा लफ्ज है ना, जुदा वाला इंज होवे कि पता लगे मजमा पूरा उठन लगा जमीन तो। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। चले वो तुहाड़े चेहरे तो पता लगे। हजरत मुहम्मद बिन मसलमा जब काब बिन अशरफ नु कतल करन गया ना, ते हालांकि दोस्ती ला के उनु कतल करना सी, आपने आपने फरमाया नीचे आओ जी, हथियार लो ते कणक दे दाने दो। उदी जनानी बड़ी दाना सी, उदी जनानी उनु नप लिया, उन्हें क्या इन्नी असमाओ सौतन यकतरो मिन हो दमो। उन्हें क्या जड़ी थलो आवाज आई है ना, एदे तो ता खून टपक रहा, तुहाडे नारे विच खून टपके। ये तुहाडा नारा नारा ना कोई समझे, इत्थों तो लै तो पूरी दुनिया के गुस्ताख सुनन के नहीं नहीं नहीं, मुहम्मद बिन मसलमा दे सदियों बाद गुलाम नारा यो जे ला रहे सन के ते खून दियां नदियां बह रही सन। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। जितने ऊपर से लेकर नीचे तक सारे हैं उनसे मेरा ये खिताब है, मदीना पाक जाना और बात है, हज करने और बात है, उम्रे करने और बात है, चालीसवीं का खत्म करना और बात है, और कहना कि मेरे प्यो दादा भी बड़े हुजूर दे आशिक सन, एक गल्ला होरन सुनो, मैं तुमसे क्या बात करने लगा हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, बहुत कम नसीब वो जो और करार तक न पहुंचे, और दरे यार तक तो पहुंचे और दिले यार तक न पहुंचे। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, ओ गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। दिले यार तो ये था, दिले यार तो ये था कि जब वहां ये ऐलान हुआ तो उसी वक्त पाकिस्तान की मिसाइल सीधे हो जाते। ये है दिले यार, हुजूर खुद अपने गुस्ताखों को कत्ल करवाएं, और जो कत्ल करके आए गुस्ताखा ने रसूल को हुजूर देख कर फरमाए, फरमाते जने आ रहे होए,
हाँ जी ओए ते चढ़े आ रहे ओए ये है दिले यार हाँ ये है दिले यार और रसूलुल्लाह दी रियासत दा नाम लैके तुसा की खटिया तुसा सिर्फ जी हमें तकलीफ हुई है तुम्हारा ये काम नहीं है तकलीफ होने वाला बयान देना ये हमारे जैसे फकीरों का काम है जिनके हाथ में एटम बम नहीं है जिनके हाथ में मिसाइल नहीं है तुम मजम्मतें ना करो तुम अगली बात करो तुम अगली बात करो। बुरनुस सलीबी जर्नल ने सिर्फ इतनी बात की थी एन मुहम्मद हुकुम उदू यंसर हुकुम और कहने लगा बुलाओ है मुहम्मद नु किथन तुहाड़ी मदद करन सलाउद्दीन अयूबी तक के गल चली गई तुम्हारा ये काम है जो मैं बताने लगा हूं तुम्हें अगर तुम सबक भूल गए हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा याद कराने लगा हूं ये तुम्हें और कोई नहीं बताएगा जो तुम्हारे करीब मौलवी और पीर गए हुए हैं वो तो तुम्हारी नमाजें देखकर कहते हैं ऐसी नमाज तो मैंने किसी पीर को पढ़ते हुए नहीं देखा ऐसा नेक बंदा तो मैंने देखा ही कोई नहीं मैंने कहा बस हो यही कीमत थी तुम्हारी करूं मदहाले तुबल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला मैं बहसियत खैरखाई मुसलमान की खैरखाई की तेरे नाल गल करन लगा उत्तो लैके थले तक सारे नू एवे मर जाना अज सदियां गुजर गई सलाउद्दीन अयूबी नू फौजी प्रोटोकॉल ना दफन नहीं किया गया सलाउद्दीन अयूबी नू फौज की तरफों कोई प्लाट नहीं मिलिया फौज की तरफों कोई पेंशन नहीं मिली सलाउद्दीन अयूबी और मरदे मोमे ने जिदे मरण तो बाद उदे घर कफन दे पैसे भी नहीं सन हाँ जी चंदा करके मुसलमान सलाउद्दीन अयूबी नू दफन किया इकबाल कहता गंज हाय हर दो आलम राह कलीद और तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद इकबाल कहता इत्थों दे खजाने दियां चाबियां नहीं अगले जहान दे खजाने दियां चाबियां भी मुसलमानों दे हत्थां विच आ सकदियां दो गल्लां जरूरी हैं एक सलाउद्दीन अयूबी की तलवार होए ते दूसरा बा यजीद बुस्तामी की निगाह होए मैं तुहाडे नाल गल करन लगा ये जुमला शाह जी क्या एना मुहम्मद हुकुम लेकिन मिजाज सलाउद्दीन दा अयूबी दा होवे तो फिर वह समझदा हजूर के बारे ने गल के की जे गंदे मिजाज होवन ते लबैक के खिलाफ ये सख्त बातें करते हैं ये इस्लाम तो अमन का दर्स देता है और मैं अखा अमन का दर्स देंदा जदों बिलाल काबी दी छत ते चढ़ जान जदों बिलाल नु कुटे जा रहे होवे फिर वह बदर जान का हुक्म देंदा फिर वह ओहद जान का हुक्म देंदा फिर वह खंदक च लै जांदा फिर वह मुरैसी विच लै जांदा फिर मुस्तलिक लै जाता फिर वह हुनैन लै जाता फिर वह तबू के लै जाता जो बिलाल काबी की छत उत्ते चढ़ जाए फिर मेरे आका फरमा दे जाओ आए मैंने सबको माफ कर दिया आज के दिन बस दिलो जे दीन ना पढ़िया तो तर्जमानियां ना करो दीन दिया हाँ जी दीन की तर्जमानी की सलाउद्दीन अयूबी की जुमला क्या जनाब पूरी पूरी किताबा लिखिया गई हजूर के खिलाफ हजूर के घर दे फिल्मा बन गई तुसी मुड़ के साढ़े खिलाफ परचे कटे तुसी मुड़ के सईदा नू अंदर किया तुसी मुड़ के जनाब यूसुफ सुल्तानी जा सियाल इब्न हफ्साबाद जेल शहीद किया एक कयामत नू एक अदालत लगनी काले पानी वाली जेल वाले भी आ जान ते हफ्साबाद जेल वाले भी आ जान एक गाले करने वाली मौलाना मुरीद नू मानी नू तुसा शहीद किया शेखुल हदीस नू मुफ्ती सदरुद्दीन आजुरदा नू काले पानी ले जान अंग्रेज सानू आज भी मौलाना सीना तहान के अंज गल की थी मौलाना मुनीर नौमानी नू किने शहीद किया एक जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखड़िया भरना 581 हिजरी बुरनुस ने सलीबी जर्नल ने यह गल की थी सलाउद्दीन अयूबी 2 साल सुता नहीं यह है दिले यार कि जिन्हां कोल ताकत होवे हुजूर दी इज्जत वास्ते इस तरह जनाब वो अपने आप तो बहर हो जान सलाउद्दीन अयूबी जो जदों नींद आती सी एवें दीवार ना टेक लैके सौ जाता सी कहिंदा सी मैं कमर उदों लंबी करांगा जदों मैं गुस्ताखे रसूल दा सर कट के ते फिर दुनिया नूं दसांगा ऐ ओ बंदे जिन्हें मेरे आका दे खिलाफ गल कीती ये दिले यार है अगर तुम समझना चाहते हो तो फिर क्यामत तक तुम्हारे भी नाम होगे क्यामत तक उसकी कबर उत्ती फातिहा पढ़ी जानी उसकी कबर ते नौजवान नच के जाना है कबर नू फुल्लां नाल भर देना कौन की मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं
सलाउद्दीन अयूबी नू फिर अल्लाह ताला ने फतह दी, बुरनुस गिरफ्तार हो गया। सुनो जरा, ये दिले यार है, मैं मुल्क शाम गया, हुजूर पांच पांच मुअज्जिन कट्ठे होके सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ दे। मैं आखो इन्हां नू किने वे लाया, कहता सलाउद्दीन अयूबी ने अपने दौरे हुकूमत च किया सी, हर मुअज्जिन अजान से पहले अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़े। इसे वास्ते उदी कबर ते जदों मैं हाजरी दे के निकलिया ते लिखे होया सी, ला तहसब व माता शासन वाहिद बलकद अमल आलमीन ममातु। ओए हाजरी देण वालिया, ऐ जुमला पढ़ के जावी, जदों सलाउद्दीन अयूबी दुनिया तो गया एक बंदा नहीं मरिया, सारी उम्मत मर गई सी उस दिन। ऐ दिले यारे, सलाउद्दीन अयूबी गिरफ्तार कर लिया, बाकी सारे सलीबी जनरल कहन लगा तो आनू माफी जाओ, आज फतेह मक्का वाले रसूलुल्लाह दा उसवा हसन मैं अपना रहा, तू भी जा। जब बुरनुस सामने आया तो आप दी अखां विचों हकीकी शोले निकले, फरमाया तू क्या सी, आना मुहम्मद हुकुम उदू अंसर हुकुम, ए तू क्या हुण इंज कर रहे सी। आपने तलवार चुक के ना फरमाया, नाम आना अनूब अर रसूलुल्लाह फिल इंतजार ले उम्मत ही। हाँ जी, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। की गल की थी, फरमाया तूने कहा था ना बुलाओ अपने नबी को वो तुम्हारी मदद करे, ना आम हाँ हाँ मैं आया हूं, नाम गल एंज करो। फिर सुन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया मन सब नबीयन फक्तलू हो, फरमाया क्यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह ने। इस कानून का एक जुमला मैं पढ़ता हूं, अगला तुसी पढ़ना है। उन्हें वो अपने गंदे गिलाजत भरे कानून का जो पाबंद है ना, क्यामत तक मुसलमान अपने इस महबूब के फरमान दे पाबंद। तवज्जो, मैं पढ़ना मन सब नबीयन, तुसी अगो कहना है फक्तलू, ये फक्तलू तो इंज आवे कि उन्होंने अज राती किसी गुस्ताख नू नींद ना आवे। हाँ हाँ जी, और मन सब नबीयन, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन, और मन सब नबीयन और फक्तलू है, इंज करके नारा लाओ शेरो, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन, फक्तलू नहीं फक्तलू हो। हाँ, खाली कत्ल करना तो नहीं ना, उसनू मारना है। हाँ, ओ हू दे उते हू दी ज़र्ब लेनी, ओ मन सब नबीयन, हाँ फक्तलू हो। मन सब नबीयन, मन सब नबीयन, गलीजा जे तू पाबंद है ना ते इत्थे ते दुध पींदा बच्चा भी कह रहा मन सब नबीयन फक्तलू। तैनू पता ही नहीं साड़ी तारीख क्यों जाई। हाँ, खिंजीर ते कबाब खाना हो रहे ते पेट ते पत्थर बंद के अगे हुजूर ते खड़े होके गर्दना कटाना हो रहे। मन सब नबीयन फक्तलू हो, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन। बस सलाउद्दीन अयूबी फरमाया तू तो कैसी ना रसूलुल्लाह नु बुलाओ, हाँ हाँ मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है, बता क्या काम है तेरा। उसका क्या काम था, आपने फिर तलवार उठाई और उसका सर काट के फरमाया इसका सर उठाओ और जितने जर्नैल सलीबी बैठे हैं खेमों में उनके पास ले जाओ, तुम्हें माफी इसलिए मिल गई कि तुमने हुजूर के खिलाफ बात नहीं की और मैंने इसका सर इसलिए काटा कि इसने हमारे आको मौला के खिलाफ बात की। ये दिले यार है, ये दिले यार है। हाँ, नारा भावे ना लाओ रियासत मदीना दा, दावे भावे ना करो इश्के रसूल दे, कुछ भी ना करो, लेकिन दिले यार दा ख्याल करो। दिले यार का ख्याल यही है कि लाओ जी शाहीन आया, और किधर आया, गुस्ताखाने रसूल दे खिलाफ आया, दुश्मना ने इस्लाम के खिलाफ आया, आया भाई शाहीन आया। ये घोड़े खोलो।
हुजूर दी इज्जत वास्ते खोलो। जे पूरी दुनिया ते सरदारी करनी, पूरी दुनिया ते पाकिस्तान जनाब पूरी दुनिया का इमाम बन जाए और सुपर पावर पाकिस्तान बन जाए, तो फिर शाहीन हुजूर की इज्जत के लिए उड़े, खतफ भी उड़े, अबाबील भी उड़े, और शाहीन भी उड़े, और अब्दाली भी उड़े, और एटम बम भी बाहर आए, और गौरी बाहर आए, और गौरी बाहर आए, और गौरी बाहर आए, खालिद टैंक भी आवे, और दरार टैंक भी आवे, ए मोहम्मद अरबी की फौज भी बाहर आवे, ते पीछे लबैक का नारा भी आवे।